Hello students, this is our English lecture and in this lecture we are going to read the chapter 6 of English grammar, that is noun and it's a common noun. ठीक है, हम noun भी पढ़ चुके हैं पहले से और हमने proper noun भी पढ़ लिया है. ठीक है, तो noun क्या होता है? किसी भी, it is a name of a person, place, thing or animal. या आप बहुत बार सुन चुके हो. ठीक है, एंड आपने प्रॉपर नाउन भी पढ़ लिया है. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब भी हम किसी नेम को, किसी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को कोई स्पेशल नेम देते हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन. अब हमें इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन आर द नाउन दैट गिव जर्नल नेम टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग. कोई एक जर्नल नाम देते हैं और हमें एक जर्नल नेम देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, अब जैसे कोई भी पीपल है, अब हम क्या बोलते हैं? बॉय बोलते हैं, गर्ल है, हमने बोला बॉय या फिर गर्ल, या फिर हमने बोला मैन या वीमेन. तो हम, ये क्या है? हमारी जर्नल नेम है. और इन नेम को देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लो किसी बॉय का नेम है राम है, श्याम है. तो हम, इतने हमारे इस वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नेम हैं, सभी के, सबको स्पेशल नेम गिवन है. तो हम इतने सारे नेम को लर्न नहीं कर सकते. तो हमने कैटेगरी बना दी है कि हाँ भाई, इनको हम गर्ल बोलेंगे यस, और उनको बॉय बोलेंगे, एंड उनको मैन बोलेंगे, एंड उनको वीमेन बोलेंगे. ठीक है, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है. अगर हम देखो, अगर कितनी बड़ी दुनिया है हमारी और इसमें हम सब लोगों के नाम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसीलिए क्या है, जर्नल नेम दिए जाते हैं. ऐसे ही प्लेसेस को जनरल नेम दिए जाते हैं. प्लेसेस को कैसे? जैसे हमने बोला, जैसे हमारे हतीन के आसपास क्या है, बहुत सारे गांव है ना. हमने क्या, हम गांव बोल रहे हैं, विलेज बोल रहे हैं, तो हमारा कॉमन नेम है, नाउन है हमारा. अगर हमने उसको अलग अलग बोला, जैसे है यहाँ पर कौंडल है, गहलब है, रीणका है और बहुत सारे गाँव हैं. ठीक है, तो अगर हम सबका तो नाम याद नहीं रख सकते, तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं? एक कॉमन नाउन बोल देते हैं, एक जर्नल नेम दे देते हैं उनको. हमने क्या बोल दिया? ऐसे विलेज है, कोई भी सिटी. देखो कितनी सिटी होती है हमारे यहाँ पर, सब कितनी हजारों लाखों सिटी है. तो हम उनको, हम हर किसी का तो नाम याद नहीं रख सकते, तो हम क्या बोल देते हैं कि हाँ भाई, ये सिटी है. जैसे मुंबई है, दिल्ली है, राजस्थान है, ये सारे क्या है, अलग अलग वो हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमें सब चीज़ों का हम नाम याद नहीं रख सकते, तो इसलिए उनको एक जर्नल नेम गिवन है. ऐसे ही एनिमल्स के लिए है और ऐसे ही थिंग्स के लिए. ठीक है, सो देखो, ये आपको ये स्टोरी गिवन है, ये रीड करते हैं. और यही वाली स्टोरी आपकी प्रॉपर नाउन में भी गिवन थी, तो आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड एलीपुर. और देखो, जो ये वर्ड आपके रेड से लिखे हुए हैं, तो मतलब ये कॉमन नाउन है. ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड एलीपुर. एक बार एक की बात है, एक बार कौन गाँव था? लिलीपुल. अब देखो, हमने लास्ट वाले चैप्टर में जो रीड करा था, उसमें लिलीपुल पे रेड मार्क था. ठीक है, तो मतलब लिलीपुल हमारा क्या है? विलेज का नाम है. तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, हमने बोला विलेज, तो हमारा कॉमन नाउन हो गया. ठीक है, अब पुअर वीमेन, ऐसे ही वीमेन क्या है हमारा? कॉमन नाउन. जेन लिव देयर विद हर सन. जो एक पुअर और गरीब औरत अपने बेटे के साथ रहती थी. अब देखो, सन है तो हमारा कॉमन नाउन है, बेटा बोला है ना, सबके लिए बोला गया है. हम ऐसे हमें इसमें पर्टिकुलर नहीं बताया गया कि वो किसके लिए बोला गया. ठीक है, तो हमारा एक सन क्या है? कॉमन नाउन है. अब उसमें देखो, बोला है जैक, अगर उसके पता है, अगर नाम बोला है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है. दे हैड अ काउ कॉल्ड स्पॉट्स. अब देखो, दे हैड, उनके एक पास एक गाय थी और क्या नाम था उसका? स्पॉट्स. काउ है तो मतलब इन जनरल से, देखो सभी तरह की गाय होती हैं. तो अगर हमने किसी का नाम, उसको नाम दिया है, तो वो हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन. अगर मैं बोला काउ है, तो क्या है हमारा? कॉमन नाउन. ठीक है, स्पॉट्स गेव मिल्क एवरी डे. स्पॉट्स क्या करती थी? दूध देती थी. अब मिल्क क्या है हमारा? थिंग का नेम है. और हमारा क्या है? ये कॉमन नाउन है. एंड जैक सोल्ड इट ऑन ईच संडे टू गेट मनी. और जैक उसको बेच देता था हर संडे को पैसे कमाने के लिए. मनी क्या है हमारा? कॉमन नाउन है. वन डे स्पॉट्स डिड नॉट गिव एनी मिल्क, सो जैक सोल्ड इट टू एन ओल्ड मैन नेम मिस्टर टिम्बरलेक. एक दिन स्पॉट ने दूध नहीं दिया, तो जो जैक है उसने स्पॉट को, उस गाय को बेच दिया. तो किसको बेचा?
एक ओल्ड मैन था. ओल्ड मैन मतलब हमारा कॉमन नाउन आ गया मैन. ठीक है, मैन क्या है, हमारा कॉमन नाउन है. और देखो टिम्बर लेक है, अगर ये नेम है तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता. मिस्टर टिम्बर लेक डिड नॉट हैव मनी, मिस्टर टिम्बर लेक के पास पैसे नहीं थे. सो ही गिव जैक सम मैजिक बीन्स, तो उसने क्या करा, उसने मैजिक बीन्स दे दिए कुछ जैक को पैसों के बदले. अब देखो बीन्स क्या है, हमारा कॉमन नाउन है. तो स्टूडेंट्स आपको भी इसी तरीके से ध्यान रखना है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है, क्या होता है. देखो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके कॉमन नाउन हैं, विलेज जो इस स्टोरी में आए हैं, विलेज, विमेन, सन, काउ, मिल्क, मनी, मैन, बीन्स. ठीक है, ये सारे हमारे कॉमन नाउन हैं. अब देखो ये आपको बुक वर्क गिवन है, क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई कॉमन एंड प्रॉपर नाउन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. जो आपको ये हेल्प बॉक्स गिवन है इसमें से आपको सारे कॉमन और प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करने हैं एंड राइट डैम इन द ब्लैंक गिवन बिलो. कि अगर कॉमन नाउन है तो यहाँ लिखेंगे नीचे वाले कॉलम में, प्रॉपर नाउन है तो यहाँ लिखेंगे. जैसे प्रॉपर नाउन में मैं आपको बताती हूँ, एक जैसे मिस चौहान, हमारा एक पर्टिकुलर नेम है, तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा. डॉक्टर है, यहाँ आ जाएगा. माउंटेन है, कॉमन नाउन में आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरी बुक वर्क करना है कंप्लीट. अब देखो अंडरलाइन द कॉमन नाउन, आपको इसमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है. अब देखो थ्री फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, कॉमन है, होटल है एंड रूम. देखो क्योंकि हमें ना तो हमें रूम का नाम, रूम बताए हुए कौन सा रूम है, होटल भी नहीं बताया हुआ, फ्रेंड्स बताए हुए, तो ये सारे क्या है, हमारे कॉमन है. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ये वाला एक ये वाला बुक वर्क भी कंप्लीट करना है, बी पार्ट भी एंड सी पार्ट कंप्लीट करना है आपको. सी पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, जैसे आपको इसमें वो दिया हुआ है, जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, वो कंप्लीट करने हैं. इससे DLLO तो क्या बन जाएगा, डॉल. ये है TAB तो क्या बन जाएगा आपको, ये देखो ये आपको कैसे पता चलेगा कि बैट ही बनेगा, आप ये स्टोरी रीड करोगे ना ऐसे तो आपको पता चल जाएगा उससे क्या क्या फिल करना है. और ये आपको राइट फाइव कॉमन नाउन्स एट यू सी, आपको कॉमन नाउन लिखने हैं कुछ, मैंने भी लिखे हुए, आप इसमें से भी लिख, ये वाले भी लिख सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी देख के लिख सकते हो. और जो भी आप बुक वर्क करोगे आप मुझे उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करोगे. सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो.